आज हम गणपति बापा को भोग धराने के लिए सिर्फ 5 मिनट में सुगर फ्री हेल्दी मोदक बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। हेल्दी सुगर फ्री मोदक, मूंगफली को भून के इसका छिलका निकाल दिया है। ये भुनी हुई मूंगफली आधा कप है, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मिश्री डालेंगे, इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मिश्री बहुत ही हेल्दी है। इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। पल्स बटन दबा के इसे ग्राइंड किया है। मिक्सर को कंटिन्यू चलाएंगे तो मूंगफली में से तेल सेपरेट हो जाएगा और इसका पाउडर बनने के बजाय ये पेस्ट के जैसा हो जाएगा। तो इसे पल्स बटन दबा के ही क्रश करना है, तो इस तरह का पाउडर बनेगा। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ रेड कलर की मीडियम सॉफ्ट खजूर ली है, इसका बीज निकाल के इसे बारीक चॉप किया है और ये 1 कप है। इसे भी ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। मूंगफली ग्राइंड की थी वही जार में हम खजूर को भी ग्राइंड करेंगे। खजूर की पेस्ट बना के रेडी कर दी है। कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। खजूर की पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के खजूर को भूनेंगे। हमने पेस्ट बनाने में पानी नहीं डाला है तो इसे बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक ही हमें इसे भूनना है। खजूर अच्छे से भून गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। ये मूंगफली का पाउडर अंदर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बादाम की स्लाइस डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिस्ता की स्लाइस। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। खजूर अभी थोड़ा गर्म है तो इसे हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोदक का ये मोल्ड लिया है, इसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे। पिस्ता को चॉपर में एकदम बारीक चॉप किया है। आप पिस्ता को मिक्सर जार में थोड़ा सा रफली पाउडर बना के भी ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे। मोदक का मिश्रण इस तरह से ऊपर थोड़ा रखेंगे। इस तरह से दबा के थोड़ा थोड़ा मिश्रण ऊपर रख देंगे। इसे बंद कर देंगे। बीच में थोड़ा मिश्रण अंदर भरेंगे दबा के। अब देख सकते हैं कितना अच्छा मोदक बन गया है। इस तरह से सभी मोदक बना के रेडी करेंगे। मोदक के इतने मिश्रण में से 6 बड़ी साइज का और 1 छोटी साइज का मोदक बना के रेडी कर दिया है। और मोदक आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। जिस तरह से हम मिठाई की दुकान से मोदक लाते हैं, सेम वैसा मोदक बना है। सिर्फ 5 मिनट में एकदम हेल्दी मोदक बन के रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।